इस गारंटी बिल के प्रति सत्ता पक्ष के बैठ जाओ प्लीज। राजस्थान मंत्री महोदय बैठिए। ये छगन सिंह बोल रहे हैं, आप जाना चाहिए सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री छगन सिंह ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर ये शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। आंकड़े FIR दर्ज में है, चालान में नहीं है। FIR फ्री की है मुख्यमंत्री जी ने, आप हकीकत देखो, फ्री की है मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। नहीं कि चालान है, चालान देखो आपके, गुजरात के, मध्य प्रदेश के देखो, दिल्ली के देखो, हरियाणा के देखो। सभापति महोदय, केवल फ्री की FIR। मैंने सभापति महोदय, FIR दर्ज होती नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। सभापति महोदय, FIR दर्ज होती नहीं है। सभापति जी, ये फ्री FIR का नतीजा है, कोई क्राइम नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए आप, प्लीज अभी अभी बिल पर क्राइम रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े पढ़ो आप। चालान कितने के हुए, किस राज्य में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार हुआ, सरेआम वीडियो चले, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कि हम करें फैसला या सरकार करे, उस पर तो देखो ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, इस महिला दुष्कर्म पर एक मिनट, मेरी मांग है, हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से मांग है, राजस्थान में महिला दुष्कर्म पर सरकार बहस करवा ले, करवा ले अगर हिम्मत हो तो। अब आपस में गला फाड़ने से कोई मतलब नहीं, समय तय कर दें, हम अपने तर्क दे देते हैं, आप अपने तर्क दे दो। कई बार बहस हो चुकी और आंकड़े प्रस्तुत किए जा चुके हैं। विराजो मर्दों के प्रदेश वालों, अरे आप विराजो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, मर्दों का प्रदेश है, कभी नहीं हुआ, ये मर्दों का प्रदेश है, कभी नहीं हुआ अत्याचार। आप अपने गिरिमा में देखो, मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होती है, शर्म आती है हमें। श्री छगन सिंह, माननीय सभापति कंटिन्यू करें, मैं आप बोलिए।